हरे कृष्णा। आज हम बनाने वाले हैं काबली चने का सैलड। इसके लिए मैंने लिया है काबली चना, मैंने इसको रात को सोक किया था और मैंने अब इसको बॉईल कर लिया है। ग्रेटेड कैरेट, ग्रेटेड बीटरूट, लॉन्ग स्ट्राइप्ड कट कैबेज, चॉप टमाटो, ग्रेटेड कुकुम्बर, वेरी फाइनली चॉप्ड कैप्सिकम और ग्रीन चिलीज, बहुत बारीक मैंने इसको काट लिया है। और लेमन हम यूज़ करेंगे और मसाला यूज़ करेंगे रॉक सॉल्ट, ब्लैक सॉल्ट एंड चाट मसाला, रोस्टेड क्यूमिन सीड्स एंड ब्लैक पेपर। मैंने बॉइल्ड काबली चना में हमारी ग्रेटेड वेजिटेबल्स जो हमने यूज़ की थी, कैरेट, कैबेज, कैप्सिकम, बीटरूट और टमाटो, वो सारा मिक्स कर दिया। फिर मैंने इसमें रॉक सॉल्ट, ब्लैक सॉल्ट, क्यूमिन, रोस्टेड क्यूमिन सीड, ब्लैक पेपर और चाट मसाला डाल दिया है। आपकी वेजिटेबल्स के अवेलेबिलिटी के हिसाब से है, अगर आपके पास ब्रोकली है तो आप ब्रोकली भी डाल सकते हैं और रेड कैबेज भी डाल सकते हैं, और भी जो आपके पास सैलेड के इंग्रेडिएंट्स हैं वो आप डाल सकते हैं इसमें। अब मैंने इसको एक सर्विंग बाउल में निकाल दिया और इसको फ्रेश कोरिएंडर और मिंट लीव से गार्निश कर दिया है। आप इसमें चाहे तो और वेरिएशन ट्राई आउट कर सकते हैं। तो ये हमारा हेल्दी टेस्टी काबुली चना सैलेड इज़ रेडी। प्लीज़ डू ट्राई दिस रेसिपी। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा।